Yes, class. Hello, everyone. Hope so all of you are good. And class gives the today we will discuss chapter number 4, linear equations two variable for class 9th, and exercise 4.2. We have already discussed about 4.1 and 4.2. Hope so you are able to understand it, class. Now today's question is give the equations of two lines passing through two vortices. How many more such a lines are passes and why? So class, up solutions. 2, 4 is a only one point. Suppose any of a plane, and it's a 2 and 4, 14. This is the point. तो हाउ मेनी मोर सच अ लाइन पासेस थ्रू, ऐसे कितने लाइन इसमें से पास करेंगे, है ना, और क्यों करेंगे, व्हाई, व्हाट्स द रीजन. क्लास, इट इज अ वन पॉइंट, इट्स अ वन पॉइंट, ये केवल और केवल एक पॉइंट है, और एक पॉइंट से यू विल नो अबाउट दिस कि वन पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ लाइन कैन बी ड्रॉ, पास कर सकता है, कई सारे, बहुत सारे, है ना, कोई भी इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर सकता है, किसी भी तरह लाइन इक्वेशंस को. सपोज एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस तरह के लाइंस के किसी भी, एक्स इक्वल टू जहां क्या हो जाएगा 2 और बी इक्वल टू 4, सॉरी वाई इक्वल टू 14, दिस इज यहां पे पुट कर. Yes, class. Now you can look here. Gives the equations of two lines passing through 2, 4, and how many more such lines are there and why? कितने lines जो होते हैं pass करेंगे एक point से, यही कह रहा था. तो let x प्लस वाई इक्वल टू के कोई एक लाइन है विच इज पासिस थ्रू, तो लाइन इन द प्लेस ऑफ x 2 प्लस 14 दैट विल बी द के, दिस 2 16 इक्वल टू के, दिस लाइन कैन बी पासिस थ्रू. नाउ यू कैन राइट लेफ्ट अनदर लाइन 2x प्लस 3y इक्वल टू k dash, then what happened in the place of this k 2 into 2 plus 3 into 14 equal to k dash, this one 4 plus 42 equal to k dash, that will be 46 is equal to k dash. Class, this is, these are the line which are passes through the point 2, 4, 2 and 14. So class, you can say that there are infinite number of line can be passes through the point 2 and 14. This is, है ना, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे क्लास. यस क्लास, नाउ थर्ड क्वेश्चन इज दैट कि इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ, ग्राफ पे लाई कर रहा है ना, लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 3y. तो क्लास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाई? लाई मींस इट विल टेक प्लेस इन द एक्स एंड वाई, है ना, यानी एक्स और वाई की वैल्यू वहां पुट करनी होगी, है ना क्लास. देन सॉल्यूशन इज दैट पॉइंट इज गिवन 3 एंड 4, and after that class
दिस वन इक्वेशंस 3y इक्वल टू ax प्लस 7, दिस इज आर इक्वेशंस. नाउ पुटिंग x इज इक्वल टू 3y इक्वल टू 4 इन द इक्वेशंस. हमें लाइ करने का मतलब उस पॉइंट से पास होकर करके जाएगा. एंड क्लास यू वेल नो अबाउट दैट कि व्हेन वी आर ड्रॉइंग द लाइंस देन इट विल पासेस द थ्रू द पॉइंट टू पॉइंट. यू कैन से दैट व्हाट इज अ लाइन. लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट है ना, हर एक पॉइंट से पास करते हुए जाती है ना. दैट इज 3 इंटू 4 इक्वल टू ए इंटू 3 प्लस 7 इक्वल टू 12 इक्वल टू 3a प्लस 7, 12 माइनस 7 इक्वल टू 3a एंड दिस दैट इज द 5 इक्वल टू 3a प्लस एंड 5 अपॉन 3 इक्वल टू a. इट इज योर आंसर क्लास है ना. दिस वन द थर्ड क्वेश्चंस क्लास. नाउ वी विल डू नेक्स्ट क्वेश्चंस. यस क्लास. नाउ इट इज सेइंग दैट द टैक्सी फेयर इन अ सिटी इज एज फॉलो. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज 8 रुपीज. पहले किलोमीटर के लिए फेयर कितने हैं क्लास? 8 रुपये. एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस मींस आफ्टर दैट 1 किलोमीटर के बाद आप जितने टाइम्स चल रहे हैं जितने किलोमीटर है ना, इट इज यस क्लास. द टैक्सी फेयर्स इन अ सिटी इज एज फॉलो. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर्स द फेयर इज रुपीज 8. और ये कह रहा है कि लेट डिस्टेंस कवर एज x किलोमीटर्स. उसने x किलोमीटर चला. द टोटल फेयर ऑफ y रुपीज होगा. कहता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए ये फिक्स चार्ज है कि आप चढ़ करके उतर जाए, डजंट मैटर. बट द फॉर द फर्स्ट किलोमीटर वी विल टेक 8 रुपीज है ना. टैक्सी वाले ऐसा बोल रहे हैं है ना कि 8 रुपये आपको लगेंगे. इट्स अ फिक्स चार्ज. सो क्लास फर्स्ट किलोमीटर चार्ज बी एट रुपीस है ना. फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपया है. तो रेस्ट कितने? एक्स किलोमीटर हमें जाना है क्लास. कितने? एक्स किलोमीटर. वी विल गो एक्स किलोमीटर. तो एक्स किलोमीटर, 1 किलोमीटर का तो फिक्स चार्ज है. तो 1 किलोमीटर का हमें कितना लगेगा? 8 रुपया लगने हैं. तो रेस्ट कितने किलोमीटर बचेंगे? रेस्ट किलोमीटर x माइनस वन रेस्ट फॉर द रेस्ट किलोमीटर. एंड रे आफ्टर द रेस्ट किलोमीटर क्लास इट विल टेक एज अ 5 रुपीज. देन रेस्ट 5 किलोमीटर. तो फेयर ऑफ एक्स माइनस 1 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा क्लास? दैट विल बी द 5 इंटू एक्स माइनस 1 किलोमीटर का इतना इसका फेयर होगा. इतना रुपीस रेस्ट किलोमीटर का. टोटल फेयर इक्वल टू टोटल फेयर y इक्वल टू, क्योंकि वी विल टेक y एज अ टोटल फेयर क्लास है ना.
then we can take 5x-1 + 8 rupees. इतना पैसे हमें देना होता है ना, that will be the 5x-1 - 5 + 8 यानी 5x + 3. This will be y equal to 5x + 3. This one, this is the total fare or equations class. Now you can draw graph. जैसे कि देखो एक बार फिर से मैं बता रहा हूं, डिस्टेंस x किलोमीटर, कहीं हम लोग अगर गाड़ी से चलते हैं क्लास, देन व्हाट हैपनिंग कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए वो 5 रुपीज चार्ज करता है कि आप बैठे और उतर जाए, डजंट मैटर. बट जो होता है पहला किलोमीटर जो चलेगा वो 8 रुपये चलेगा, बाकी आप जितने किलोमीटर चले. आपने 8 किलोमीटर, सपोज 8 किलोमीटर चले, तो पहला का 8 रुपया, बाकी 7 किलोमीटर हो गया. फर्स्ट किलोमीटर के लिए किलोमीटर ऐसे सपोज करो, लेट हम लोग 10 किलोमीटर का ले लेते हैं. 10 किलोमीटर कोई भी एक डिस्टेंस कवर करते हैं, और 10 किलोमीटर में फर्स्ट किलोमीटर का कितना लग रहा है, फर्स्ट किलोमीटर दैट विल बी 8 रुपीज है ना, फर्स्ट किलोमीटर के लिए 8 रुपीज. और बाकी ने रेस्ट कितना बच गया, रेस्ट किलोमीटर कितना बच गया, 10-1 यानी 9 किलोमीटर. और रेस्ट 9 किलोमीटर के लिए कितना बचेगा क्लास, तो फेयर कितना हो जाएगा, फेयर फॉर 9 किलोमीटर 9 × 5 = 45. तो टोटल फेयर क्या हो जाएगा, टोटल फेयर 45 + 8 यानी 53 रुपीज आपको 10 किलोमीटर के लिए, अगर आप जाते हैं टैक्सी से 10 किलोमीटर तो आपको 53 रुपीज उसे देना है. ये एक मैंने ऐसे ही एक एग्जांपल लेकर के बताया ओरली, कि आप जो होता है अगर कहीं जाते हो है ना, तो इस तरीके से 10 किलोमीटर, पहला किलोमीटर के लिए 8 रुपया, बाकी कितने किलोमीटर बच गया, 9 किलोमीटर, तो उसके लिए ऐसे हम लोग फेयर पे करते हैं. और जनरली जब आप बड़े बड़े सिटी में दिल्ली वगैरह जाओगे तो इसी तरह से फेयर लेता है ना, टैक्सी वाले का फिक्स होता है. और उसके बाद में जो होता है, जितना आपको, जितने किलोमीटर आप चलोगे उतने किराया लेता है अकॉर्डिंग दिस क्लास. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज दैट के फॉर द चॉइस गिवेन बिलो द इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवेन इन 4.6 और 4.7. ये जो होता है, जो ग्राफ जो दिया हुआ है वह किसका है ना. तो जो भी पॉइंट आपके पास इसमें दे रखा है ना, 5 नंबर क्वेश्चंस का, वट एवर पॉइंट, जैसे कि फर्स्ट है, फर्स्ट y इक्वल टू x है, और 4.6 के लिए, 4.6 के लिए फिगर 4.6 के लिए कहता, फ्रॉम विच वाइज गिवेन बिलो, चूज द इक्वेशंस हुज ग्राफ्स आर गिवेन बिलो. किसका जो होता है ये ग्राफ दिया हुआ है ना, दिस विल बी, वी वांट टू फाइंड x + y = 0, थर्ड इज y = 2x, एंड फोर्थ चॉइस इज 2 + 3y = 7x. ये है क्लास आपका. और इसमें जो होता है एक ग्राफ भी मैं ड्रॉ करके दिखाता हूं कि इसका जो होता है ग्राफ. यस क्लास, नाउ लुक हियर, सपोज इफ वी आर टेकिंग फर्स्ट y = x, तो ये भी 1 होगा, तो ये भी 1 होगा, तो ये 1-1 वाले होंगे, तो 1-1 इसमें है नहीं. और एक x = -y, यानी एक 1 होगा तो -1 ये होगा क्लास, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग जब भी बनाते थे ये क्या करते थे, x एंड y, सपोज इन दिस इक्वेशंस वी विल टेक x = 1, तो ये -1, और देखिए ये 1 और ये -1 है क्लास,
इस साइड तो माइनस होगा, आपको पता है, दिस वन, दिस साइड पॉजिटिव, दिस साइड वन, सॉरी ये वन टू थ्री फोर, ये है पॉजिटिव साइड एंड दिस वन, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा क्लास। एंड दिस वाई इक्वल टू टू एक्स करो तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू इंटू वन तो टू है ना, एक्स की वैल्यू वन तो वाई की वैल्यू टू जो कि है नहीं, तो इस ग्राफ के लिए सुटेबल ये होगा। इसी तरह से नेक्स्ट है क्लास, होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। टू एंड थ्री मोर क्वेश्चंस आर लेफ्ट क्लास, वी विल डू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।